समाजवादी पार्टी के जशवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी से पार्टी को अलग कर लिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है वो उनका व्यक्तिगत बयान है। आइए सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से भगाना है और समाजवादी पार्टी को लाना है। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया रामचरितमानस को लेकर कि इसे बैन हो जाना चाहिए, क्या लगता है आपको इसका क्या प्रभाव और क्यों दिया गया? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, तो उनके बयान पार्टी का बयान नहीं चल रहे हैं भगवान राम के आदर्शों पर। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते थे, ये तो भगवान राम कोई बेच रहे हैं। हम लोग भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग। शिवपाल यादव ने इटावा में अपने चौगुर्जी स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय लोगों से मुलाकात की, सभी की समस्याएं सुनी। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर जगह समाजवादी पार्टी से लोग जुड़े रहे हैं और जन सैलाब बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बन गया है। आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से भगाना है और समाजवादी पार्टी को लाना है। शिवपाल यादव ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य बड़बोले हैं, वो जसवंत नगर में आए थे मैनपुरी लोकसभा चुनाव में और यहाँ की जनता ने उन्हें जवाब दे दिया। हमारे क्षेत्र की जनता ने उनको सबक सिखाया है और आगे भी हम बताएंगे कि चुनाव कैसा लड़ा जाता है। उन्होंने कहा कि मैनपुरी के चुनाव में यहाँ की जनता ने सबक सिखाया और आगे भी सिखाएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।